गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अज तुहाडे नाल प्लस टू जमात के सबजैक्ट पंजाबी लाजमी के पाठ पहले पंजाबी सभ्याचार के कुछ इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन शेयर कर जा रही हूँ तुहाडे नाल, जो कि फस्ट टर्म के एग्जाम जो होने वाले ने तुहाडे नवंबर च उन्होंने इंपोर्टेंट ने। पहला क्वेश्चन है, पंजाबी सभ्याचार लेख किसकी रचना है? तो इसका आंसर है डॉक्टर वरिंदर कौर। नैक्सट क्वेश्चन, किसी खास खिते या कौम की समुची जीवन जाँच को की कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सभ्याचार। प्रश्न नंबर 3 है, जिवें कि जिथे पंजाबी सभ्याचार की प्रकृति साधारण जापती है उत्थे इसका अध्ययन करते हुए असी की महसूस करते हाँ? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा एक जटिल वर्तारा। प्रश्न नंबर 4 अपना है, सभ्या ते आचार शब्दों के सुमेल तो किहड़ा शब्द बनया है, किहड़ा शब्द होंद विच आया है? तो इसका आंसर अपना है सभ्याचार, सभ्याचार। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभ्याचार केड़े दो शब्दों के सुमेल तो बनया है? तो इसका आंसर अपना पिछले आंसर नाल ही मैच है, जिवें कि सभ्या ते आचार वो पहला ही मैनशन कर चुके हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सभ्याचार लिए किहड़े शब्द की वरतों होंदी है? संस्कृति। नैक्सट क्वेश्चन, अंग्रेजी में सभ्याचार लिए किहड़े शब्द की वरतों होंदी है? कल्चर। कल्चर शब्द अंग्रेजी भाषा में सभ्याचार लिए वरत्या जाता है। प्रश्न नंबर 8 अपना है, कल्चर शब्द के शाब्दिक अर्थ की हैं? इसका मीनिंग है भूमि की बिजाई। एंड अपना प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा अगे, उप सभ्याचार किसका हिस्सा होंदा है? इसका आंसर है मूल सभ्याचार का। केड़ियां दो चीज़ां दुनिया के हर कोने विच मिल जांदियां हन? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर अपन सारों ही पता है, जिमें कि यदा आंसर है आलू ते पंजाबी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, पंजाब के दरियावां के कंडियां उत्ते किहड़े वेद की रचना की गई? इस दे अपने दो ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थवेद की, ऋग्वेद की। तो इन अपना आंसर है ऋग्वेद की। नैक्सट क्वेश्चन, ऋग्वेद के समय पंजाब नू किस नाम नाल जाने जाता सी? तो उसका अपना आंसर है सप्त सिंधु के नाम नाल जाने जाता सी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 13वां, वैदिक सभ्यता का महान ग्रंथ केड़ा है? तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा ऋग्वेद। अगे क्वेश्चन है, भारतीय सभ्याचार का पहला पड़ाव किस सभ्याचार को मनिया जाता है? पंजाबी सभ्याचार को। पंजाबी सभ्याचार जो है भारतीय सभ्याचार का पहला पड़ाव है। नैक्सट क्वेश्चन इज, महाभारत युग में पंजाब का नाम की सी? तो उस समय महाभारत के युग में पंजाब का नाम सी पंचनद। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, संस्कृत का व्याकरण किसने लिखा? तो इसका अपना आंसर अपने को हो जाएगा पाणिनि ने। अगे अपना 20वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना नाल किहड़े नियमबद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना इस धरती उत्ते हुई है? तो इसका आंसर अपने को आ जाएगा फिर दोबारा तो पाणिनि दे। अगे क्वेश्चन नंबर 21 है अपने को, वैदिक जमाने विच पंजाब विच स्थापित हुए विश्वविद्यालय का नाम की सी? तो इसका आंसर अपने को है तक्षशिल विश्वविद्यालय। ठीक है स्टूडेंट, मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, पंजाबी सभ्याचार विच भारती ते इस्लामी रंग का सुमेल किन्ना ने स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को है सूफी फकीर ने। ओके, प्रश्न नंबर 23 है, गुरु साहिबान ने किहड़े महान ग्रंथ की रचना की? हाँ जी स्टूडेंट, अपने को नैक्सट क्वेश्चन से, गुरु साहिबान ने किहड़े महान ग्रंथ की रचना की? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सारे पता ही होना यदा आंसर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की। तो क्वेश्चन नंबर 24 अपने को है, गुरु साहिबान की सोच किहो जिही सी? इसका उत्तर है नरोई ते मानववादी। उन्हां दी सोच नरोई ते मानववादी सी। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने को, भारत ते पाकिस्तान की वंड कदों हुई? ये आंसर तो सब नूं पता ही होना, 1947 विच। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 ईस्वी नूं भाषाई आधार ते पंजाब नूं किन्ने हिस्सों विच वंडिया गया? ये भी अपन सारिआं नूं पता ही है, 3 हिस्सों विच पंजाब उदों वंडिया गया सी, हिमाचल, हरियाणा अते पंजाब, इहदे 3 हिस्से हो गए सी। एंड 27वां क्वेश्चन अपने को आ जाता है, अजोके पंजाब विच किन्ने दरिया वगदे हन? तो इसका उत्तर है 2.5। क्वेश्चन नंबर 28 है, अन्न का भंडार किहड़ा इलाका कहा जाता है? पंजाब। अपना पंजाब जो है वह अन्न का भंडार वजों जाने जाता है पूरे देश भर में। अगे क्वेश्चन नंबर 29 है, मिस्सापन किहड़े सभ्याचार का लक्षण है? हुण आपां चैप्टर की गल कर रहे हैं पंजाबी सभ्याचार, है ना, तो उसका आंसर भी अपना पाठ के नाम नाल ही मैच करता है पंजाबी सभ्याचार का, इस तो अपना याद रखना आसान हो जाता। प्रश्न नंबर 30 है अपने को, किहड़े प्रदेश के लोग कुदरती साधना के घटन के राजनीतिक कारण करके विदेशों वल जा रहे हैं?
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਂਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ।